अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए आज आपके लिए आप सबकी फेवरेट रेसिपी ऑल द टाइम सबकी होती है वो बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं मैकडॉनल्ड के फ्लेओ फिश स्क्रैच से। तो इसके लिए सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट्स आपको क्या चाहिए, ये कॉड फिश से बनती है और ये बोनलेस है। आपने ये लेनी है और आपने ये देखा होगा कि वो बिल्कुल स्क्वेयर पीसेस में होते हैं। उनके बन भी स्मॉल होते हैं लेकिन जो मैं बन लाई हूँ वो थोड़े से बड़े हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इनको स्क्वेयर काटें। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। बहुत आसान रेसिपी है, बिल्कुल भी घबराएं नहीं। इतनी जल्दी रेसिपी रेडी हो जाती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने इसको फिश को धो लिया है। धोने के बाद इसको आपने बहुत अच्छी तरह से ड्राई करना है। सबसे ज्यादा आपका ये है कि आप इसको ड्राई करें। जब तक ये फिश ड्राई नहीं होगी बहुत अच्छी तरह से तो इसका अच्छा नहीं आएगा। इस पे आपने क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डालना है इसके ऊपर। तो ये सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर दोनों साइड पे लगाएंगे। इससे क्या होगा कि इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो और निकलना शुरू हो जाएगा फिश के अंदर। तो अच्छी वाली आप कॉड लें ताकि उसमें स्मेल कम हो। देयर इज टू थ्री टाइप्स हैं, तो मैंने ये फ्रेश वाली लेके आई हूँ। आपको जो पसंद है फ्लेवर वो ले लें। तो इसको रखेंगे हम फ्यू मिनट्स के लिए साइड पे। यहाँ पे हमारे पास पैंको है, ब्रेड क्रम्स जो हमें यूज करने हैं। लेकिन पैंको आपको पता है कि थोड़ा सा मोटा होता है, तो मैं इसे क्या करूंगी, इसे ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लूंगी ताकि ये बारीक हो जाए। ब्रेड क्रम को ग्राइंडर में कर लें या किसी भी जिप लॉक में डाल लें और इन्हें क्रश कर लें। वो बहुत बड़े बड़े थे तो ये इनके हाफ साइज के हो गए। अब हमने क्या करना है, दो अंडे मैंने लार्ज साइज के लिए। तो ये हम फिश की मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं। दो अंडे इसमें डालें और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून जो है कॉर्न स्टार्च जाएगा इसमें। 1 टेबल स्पून मेरे पास मस्टर्ड है, ये जा रहा है इसमें। 1 टेबल स्पून मैं मेयो डाल रही हूँ इसमें। ब्लैक पेपर जाएगा 1/4 टीस्पून और सॉल्ट। आपको पता है कि ये वो तो बिल्कुल प्लेन होते हैं लेकिन मैं थोड़ी सी स्पाइसेस के लिए इसमें क्या डाल रही हूँ, पिंच ऑफ जो है पेपरिका डाल रही हूँ, स्मोक पेपरिका। मैं सॉल्ट किया। अब आपने क्या करना है, विक्स 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 और बहुत अच्छी सी, देखें इसका कलर बहुत अच्छा सा आ गया। स्मोक पेपरिका आप और भी ज़्यादा डाल सकते हैं लेकिन जाहिर है हमें रेड कलर नहीं चाहिए तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डाल रही हूँ ताकि इसका कलर वैसा ही आए जैसा हम देखते हैं बर्गर्स में मैकडॉनल्ड के। ये रेडी हो गया। यहाँ पे मेरे पास 1/2 कप ऑल पर्पस फ्लावर है और 1/2 कप ही कॉर्न स्टार्च है। इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नमक पैंको में भी डालेंगे और पैंको में ये मैं पिंच ऑफ पेपरिका डाल रही हूँ। फिश को ड्राई करें बहुत अच्छी तरह से और इसे रखेंगे हम कटिंग बोर्ड पे। तो अब आपने काटना है इसको इस तरह से कि आपके जो स्क्वेयर्स है ना वो बिल्कुल सही आए। तो एक्चुअली अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप कोई सा भी साइज यूज कर सकते हैं लेकिन जाहिर है मुझे आपको परफेक्ट दिखाना है तो मैं ये जाया नहीं करूंगी, ये पीसेस मैं यूज करूंगी। लेकिन फिलहाल जो है मैं वो यहाँ पे इनको कट कर रही हूँ एंड मैं बन के साथ आपको दिखा देती हूँ। तो आप देखें कि ये बन मेरे क्योंकि बड़े हैं, अगर आप देखें तो जो मैकडॉनल्ड के होते हैं वो तकरीबन 1/2 इंच से कम होता है। तो मैंने क्या करना है, मैंने इसको ये देखें ये साइज अप्रोक्सीमेटली मैं ले रही हूँ यहाँ से, इस तरह इसे मैं करूँगी। ऑनेस्टली उनका ये दो बनते हैं इसमें, जब दो आते हैं वो छोटे छोटे से होते हैं लेकिन कोई बात नहीं, हमने ये ट्राई किया और हम एक्चुअली इसके दो बना लेंगे। ये देखें दो, इसकी इसी साइज का मैं एक और कर लूंगी। तो आप देखें कि जिस तरह इसके ये कॉर्नर्स निकले हुए, हमें उसी तरह का स्टाइल चाहिए तो हम इसे सीधा काट लेंगे ताकि ये स्क्वायर लगे। यहां से इस तरह से सीधा काट लें इस तरह से और दूसरी तरफ से भी आप ऐसे ही करें। अब देखें कि ये स्क्वायर लग रहा है आपको। इसको भी हम यही करेंगे जो हमने मिक्सर बनाया हुआ है उसमें डिप 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 करना है। पहले सबसे पहले हम लगाएंगे फ्लावर। आपने बहुत अच्छी तरह से फ्लावर लगाना है इसमें।
ये जो कॉर्न स्टार्च हमने डाला है ना, वो इस पे स्टिकिंग का काम बहुत अच्छा करेगा। आपने डाला ब्रेड, फिर डाला आपने इसमें वेट में, और उसके बाद आपने फिर ड्राई में डाला इसे। तो अच्छी तरह दबा दबा के आप इसे पैन को लगा लें, और जो भी ब्रेड क्रम आप यूज कर रहे हैं ले लें पैन। पैन में डालें ऑयल, क्योंकि हमने इसे फ्राई करना है, डीप फ्राई, और इसे बहुत अच्छा गर्म करना है। तो आपको पता है मैकडॉनल्ड के बर्गर उनकी टार्टर सॉस के बिना तो पूरे ही नहीं होते, तो चलें सॉस बनाते हैं सबसे पहले। उसके लिए मेरे पास मेन इंग्रेडिएंट है मेयो है, मैंने 1 कप लिया है। अगर आपको कम और ज़्यादा करना है, आप हाफ ले लें या ज़्यादा ले लें, तो 1 कप मेरे पास मेयो है। और यहाँ पे मैंने पिकल लिए हैं, ये मैं तकरीबन 1/4 कप ले रही हूँ, जो आप 2 से 3 टेबलस्पून कह लें। तो इनको आपने क्या करना है, बारीक बारीक चॉप करना है। रफली आपने इनको समझे एक तरह से मिंस करना है, बहुत बारीक बारीक। तो फ्यू टाइम इन पे घुमाते जाएं ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए। बहुत बारीक आपने करना है ताकि इसके चंक्स की तरह मुंह में ना आए। तो ये मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून लिया है। अब इसको शामिल करेंगे हम मेयो में। अब आपने क्या करना है कि गार्लिक आपका ऑप्शनल मैं दे रही हूँ, आप गार्लिक की जगह आप पाउडर भी डाल सकते हैं और फ्रेश भी डाल सकते हैं। तो फ्रेश डालें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इसे मैं क्रश करके डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 गार्लिक के क्लोव यूज किए, मिक्स करें बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून जो है डिल है ड्राइड, वो डाल रही हूँ इसे, और 1/2 टीस्पून मेरे पास ऑरेगानो है। साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून लेमन जूस। यहाँ पे डालेंगे सम ब्लैक पेपर्स, 1/4 टीस्पून, और सॉल्ट। स्मेल इतनी अच्छी आ रही है इसकी, लेमन डिल एवरीथिंग। तो सॉस आप हमेशा ऐसा करें कि एक रात पहले से बनाएं, ताकि जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसका फ्लेवर उसमें आ जाता है। तो अभी हमें तो टाइम लगेगा थोड़ा सा बनने में बर्गर्स, तो उसमें इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे फ्लेवर्स आ जाएंगे। ऑयल जो है आपका अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। तो फिश जो है बहुत जल्दी बन जाती है, अप्रॉक्सीमेटली मैं 2 से 3 मिनट इसे दूंगी एक साइड के लिए, एंड देन फिर दूसरी तरफ इसको फ्लिप कर दूँगी। तो मैं जो ये टेढ़े मेढ़े सारे पीसेस हैं ये भी बना लूँगी, ज़ाया नहीं करूँगी। चलिए, आपने लिया दूसरा पैन, उसमें आपने थोड़ा सा बटर लगाना है, बिल्कुल मामूली सा। आपको पता है कि वो लोग तो टोस्ट भी नहीं करते हैं बटर इसको, लेकिन ज़ाहिर है हम घर पे हैं तो हमें है कि थोड़ा सा ये टेस्ट इसका अच्छा आ जाए। तो हल्का हल्का इसको टोस्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल हल्का हल्का। तो चीज़ आपको पता है कि रेगुलर जो चीज़ जो है वो आप यूज़ कर लें, इंग्लिश चीज़ या कुछ भी जो भी आप कॉल करते हैं वो यूज़ करें। और इसको वो मेल्ट नहीं करते, तो हम भी ऐसे ही करेंगे कि टोस्ट गर्म हो तो उस पे लगा दें। तो आप देखें कि ये गर्म हो गया, हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना इसको, और इसको हम निकाल देंगे। हमने लेना है अपना फिले, फिश फिले, वो डालेंगे इसमें। ऑलरेडी अच्छा लग रहा है। और ये आपने डाली चीज़, ये डाली आपने चीज़, इसी के हीट में मेल्ट हो जाएगी। और द फेवरेट पार्ट आपका आ गया, ये सॉस जो सबसे ज़्यादा अहम है, वो तो बिल्कुल बहुत कम डालते हैं सूंघ के। तो सॉस आपने डालनी है खूब सारी सी, ये देखें कि माशाल्लाह कितना
थिक है, वहाँ पे आपको ऐसा थिक कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपने लिया अपना फिश, उसके ऊपर आपने डाली अपनी स्लाइस, और मेन चीज इसकी जो टार्टर सॉस है वो आपने इस पे डालनी है। अब आ गया है सबसे फेवरेट टाइम, आप देखें कितना आसानी से जल्दी से रेडी हो गया है, कोई इतनी इसमें मुश्किल भी नहीं आपको करनी पड़ी और बहुत सस्ता बन जाएगा। ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए स्क्वायर स्क्वायर बनाए हैं ताकि उससे मैच हो जाए मैकडॉनल्ड के सैंडविच के साथ। घर में आप किसी भी तरह से काटें, फटाफट बना लें, और आजकल बच्चे दोबारा घरों में हैं लॉकडाउन की वजह से, तो ट्राई करें। आज मेरा जो ओरिजिनल वीडियोग्राफर है वो यहाँ पे नहीं है, तो मैं ट्राई करती हूँ पहले, अलावा तुम ट्राई करो। बिस्मिल्लाह, जबरदस्त। और आप देखें इसका साइज कितना बड़ा है, वो उसका बर्गर इतना छोटा होता है और ये इसका साइज घर में बनाने के आप दो, ए वो दो भी खाएं तो पेट नहीं भरता, एक खाएंगे तो पेट भर जाएगा। लावा नाउ योर टर्न, बिस्मिल्लाह। पहले जाके रेसिपी को ट्राई करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज।